नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं राजस्थान किसान कर्ज माफी 2019 की लेटेस्ट अपडेट के साथ। दोस्तों आप खुद देख लो कि किसानों के साथ किसान कर्ज माफी के रूप में कितना बड़ा धोखा हो रहा है। कांग्रेस सरकार राजस्थान के किसानों का कितना कर्जा माफ कर रही है देख सकते हैं आप। किसी किसान को 5 रुपये और किसी किसान को मिली 320 रुपये की राहत। दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कहां पे हमारे पास से ऑफिशियल न्यूज़ हमारे पास आई है कि किसानों का कितना कर्जा माफ रही है कांग्रेस सरकार। ये काला करतूत कांग्रेस सरकार का मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो में किसान कर्ज माफी से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं, जो भी आपके मन में डाउट है वो सारे क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों इसी तरीके की किसान कर्ज माफी से संबंधित अगर पल पल की अपडेट अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पहले देखो पहले सीखो को इस वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसके आगे जो बेल का आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए और आप राजस्थान या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ किसी भी ज़िले में किसान कर्ज माफी से संबंधित किसी भी स्टेट में आप देख सकते हैं क्या लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, क्या कांग्रेस सरकार जो भी योजनाएं लाएगी सारी मैं हमारे चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से आप तक उपलब्ध करा पाता हूं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किन किन किसानों का कितना कितना कर्जा माफ हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास जी जागरण से राजस्थान जयपुर से रिपोर्ट आई है। आप देख सकते हैं गहलोत सरकार की कर्ज माफी, किसी किसान को 5 रुपये, किसी को मिली 320 रुपये की राहत। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास से रिपोर्ट निकल के आई है कि किसी किसान के तो 5 रुपये माफ़ हुए हैं और किसी किसान के 320 रुपये माफ़ हुए हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कांग्रेस सरकार की कैसी काली करतूत है। आप स्वयं देख सकते हैं किन किसानों को कितना कर्जा माफ़ हो रहा है। आपके सामने सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जयपुर जागरण संवाददाता, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी वादे के अनुरूप राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 3 दिन में 24 लाख किसानों के 10,500 करोड़ रुपए के कर्ज माफी की किसान कर्ज माफी योजना शुरू की है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना यहां पे बजट लिखा गया है, 10,000 करोड़ रुपए। अब दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये 10,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है और ये 10,000 करोड़ रुपए है ये किन रुपयों को जोड़ के बताया गया है ये आंकड़ा हमारे सामने। इसके लिए 3 दिवसीय शिविर लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को शिविर के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांचौर के किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि 7 फरवरी से राजस्थान में भी किसान कर्ज माफी की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। दोस्तों 7 फरवरी से लेके अब तक राजस्थान में 24 लाख किसानों का जो कर्जा है वो माफ हो चुका है 3 दिन के अंतर्गत, आप देख सकते हैं। उधर योजना के छोटे किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जोधपुर और दौसा जिले में किसी किसान के 5 रुपये कर्ज माफ हुआ है तो किसी किसान के 300 रुपये का लाभ मिल पाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने किसान कर्ज माफी का क्या प्रक्रिया है। कांग्रेस सरकार ने कहा था कि सभी के 2-2 लाख रुपए हम माफ करेंगे और आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे कितना कर्ज माफ किया गया है। देख सकते हैं ये दौसा और जोधपुर जिले की रिपोर्ट है। यहाँ पे आप एक किसान के तो 5 रुपये माफ हुए हैं और एक किसान के 300 रुपये माफ हुए हैं। हालांकि किसानों को 40,000 से 1 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की जा रही है। जोधपुर जिले के बोरानाड़ में एक किसान का 5 रुपये और दौसा जिले के पापड़ा निवासी एक किसान का 320 रुपये का कर्ज माफ किया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो 10,000 करोड़ रुपए का कांग्रेस सरकार किसान कर्ज माफी की प्रक्रिया के बारे में हमको आंकड़ा दे रही है ये आंकड़ा कहां से इकट्ठा किया गया है, ये आंकड़ा कहां किन आंकड़ों को जोड़कर बताया गया। आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र जो किसान कर्ज माफी के जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं उसके पीछे लिखा हुआ है, प्रमाण पत्र पर लिखा है हम पिछली सरकार के जो 6,000 करोड़ रुपए
भी दे रहे हैं, अर्थात जो वसुंधरा सरकार ने कुछ ही दिन पहले सभी कोऑपरेटिव बैंक वालों के जो 50-50 हज़ार रुपये का जो ऋण है वो माफ़ किया था, उस किसान कर्ज माफ़ी को जोड़कर जो 6 करोड़ रुपए है ये भी 10 हज़ार करोड़ रुपए के अंतर्गत ऐड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं वैसे तो 4 हज़ार करोड़ रुपए का ही कर्ज कांग्रेस सरकार माफ़ कर रही है, लेकिन उनको भी इन्होंने ऐड कर दिया है। जोधपुर जिले की बोरानाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति में 157 किसानों का 25 लाख का कर्ज माफ किया गया। इनमें से 90 किसान ऐसे थे जिनका कर्ज 1,000 रुपये से भी कम था। दोस्तों आप देख सकते हैं 157 में से तो 90 किसान ऐसे थे जिनका कर्ज मात्र 1,000 रुपये से कम था। बाकी के जो किसान बच गए उनमें से आप मान सकते हैं 1,000 से 3,200 होगा, 2,000, 3,000। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस सरकार कितना कर्ज माफ़ कर रही है किसानों का, कितनी राहत किसानों को दे रही है। इस योजना के तहत किसान मुबारक खान का 5.73 लाख रुपए का कर्ज जो है वो माफ़ किया गया है, सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देख सकते हैं मुबारक खान का 5.73 रुपए का जो कर्ज है वो माफ़ किया गया है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, 5 रुपए जब किसी किसान का कर्ज माफ़ होता है तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा उसका कर्ज माफ़ हुआ है। दोस्तों ये किसानों के लिए राहत का कार्य करेगी, आप सभी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस किसान का 5.73 रुपए का कर्ज माफ़ हुआ है तो उस किसान का क्या कर्ज माफ़ हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने कांग्रेस सरकार की जो किसान कर्ज माफ़ी की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों आप भी देख सकते हैं किसी के 5 रुपए माफ़ हो रहे हैं, किसी के 300 रुपए, किसी के 500 रुपए, किसी के 5 रुपए, देख सकते हैं आप पॉइंटों के अंतर्गत भी किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जा रहा है 5.73। मुबारक खान का जुलाई 2018 में 19,325 रुपए का कर्ज पहले ही माफ़ कर दिया गया था जो वसुंधरा सरकार ने किया था, जो बीजेपी सरकार ने किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस ऋण माफ़ी के बाद उसके पास केवल अब 5 रुपये ही शेष बचे थे जो सारा का सारा कांग्रेस सरकार ने माफ़ कर दिया। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके पास सिर्फ 5 रुपये शेष बचे थे, लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो उसका कर्ज है वो 5.73 रुपये माफ़ किया है। तो दोस्तों 0.73 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा ब्याज का जुड़ के कांग्रेस सरकार ने माफ़ किया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह दौसा जिले के पापड़दा गांव के किसान रामधन का 320 रुपए का जो कर्ज है वो माफ किया गया है। पापड़दा गांव में अधिकतर किसानों की कर्ज माफी की जो रकम है वो 300 से 5,000 रुपए तक है, आप देख सकते हैं 300 रुपए से लेके 5,000 रुपए के बीच में सभी किसानों की कर्ज माफी की जा रही है। दोस्तों आप सभी को पता है कि 500 रुपए तो सभी बुजुर्गों की पेंशन आती है, दोस्तों इससे तो अच्छा वो किसानों के लिए राहत का कार्य करती है, न कि ये 300 रुपये 5 रुपये। देख सकते हैं आप क्या राजस्थान में किसान कर्ज माफ़ी हुई है, किसानों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है किसान कर्ज माफ़ी के रूप में। हालांकि किसान अभी भी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता है किसान खुद ठगा महसूस करेगा जब उसका 5 रुपये का कर्ज माफ़ किया जाएगा, लेकिन उसे कहा गया जाएगा कि आपका 2 लाख रुपये का जो कर्ज है वो माफ़ किया जाएगा, लेकिन उसका 5 रुपए का कर्ज माफ़ होता है। तो आप भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान में क्या कर्ज माफ़ी हुई है। तो दोस्तों किसान अभी भी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, आप सभी को पता है इनमें इनके जैसे और किसान का कहना है कि जिन लोगों ने अधिक कर्ज ले रखा था उन्हें अधिक फ़ायदा हुआ है और जिन्होंने कम कर्ज लिया था उन्हें कम लाभ मिला है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किसान कर्ज माफ़ी के अंतर्गत जो लोन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से दी जाती है, जिसके कम जमीन होती है उसको कम लोन दिया जाता है, जिसके ज़्यादा ज़मीन होती है उसको ज़्यादा लोन दिया जाता है। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं जो ज़्यादा बड़े किसान थे सिर्फ उनको ही सुविधा का ज़्यादा बेनिफिट मिल पाया है, बल्कि होना इसके विपरीत चाहिए था कि जो निर्धन किसान है जिनके पास कम ज़मीन है उनको इस सुविधा का जो लाभ है वो ज़्यादा मिलना चाहिए था। दोस्तों आप सभी को पता है कि देख सकते हैं यहाँ पे उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2018 के बाद अधिकतम 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने की घोषणा की थी, गुरुवार से उस पर अमल किया जा रहा है। उधर किसान कर्ज माफ़ी के जो प्रमाण पत्र के साथ कांग्रेस सरकार राजनीति दाव भी खेल रही है। किसानों को दिए जा रहे प्रमाण पत्र पर लिखा है
कि कर्ज माफी में पिछली सरकार ने जो 8,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ की थी, उनमें से 6,000 करोड़ का वित्तीय भार जो है कांग्रेस सरकार उठाएगी। दोस्तों ये बात तो उनकी सही है कि जो पिछली सरकार ने किसान कर्ज माफी की थी उसका भार भी कांग्रेस सरकार चुकाएगी, लेकिन हम इस आप सभी किसान अगर इस बात से सहमत हैं कि किसी किसान के 5 रुपये माफ़ हो रहे हैं, किसी किसान के 300 रुपये माफ़ हो रहे हैं, दोस्तों क्या इसे आप राजस्थान में किसान कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया का किसानों को बेनिफिट के बारे में आप इस वीडियो इस कांग्रेस सरकार का जो दाव है इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो कांग्रेस सरकार किसानों का कर्ज माफ़ कर रही है, किसी का 5, किसी का 300, किसी का 1,000, किसी का 5,000, तो दोस्तों इससे क्या किसानों को राहत मिल पाएगी? दोस्तों जैसी भी आपकी राय हो, जो भी आपके मन में डाउट हो, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी बातों का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ सकूं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर ज़रूर करें, और इसी तरीके की किसान कर्ज माफ़ी से संबंधित पल पल की अपडेट अगर आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा के हमारे यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नई लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।